बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक और मिट्टी के घर का विज़िट करवाने वाला हूं, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो ये वीडियो मैं अपने प्यारे भाई जुल्फ़कार और अशफाक की स्पेशल फरमाइश पे बना रहा हूं। उम्मीद है कि आप ही मुझे एक अच्छा सा टॉपिक देंगे और मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। कितनी देर तो रह रहे थे? 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल हो गए। ये इन लोगों का किचन है, यहाँ पे ये खाना वगैरह पकाते हैं। और ये दो पोर्शन अलहदा किए हुए हैं, ये एक सेहन है और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। तो मतलब कि एक सेहन को दो पोर्शन में तकसीम किया हुआ है। और इन तरफ इनके ये मिट्टी के प्यारे से घर हैं, यहाँ पे ये रहते हैं। बिजली की सहूलत कोई नहीं? कोई नहीं, लाइट आंधी तार दूर है, साढ़े मतलब खंभे को नहीं लगे। अच्छा अच्छा, और कब्रिस्तान को आंधी लाइट। ये इनका सर्दियों का किचन है, जहाँ जब बारिश वगैरह आती है तो ये खाना वगैरह इस तरफ पकाते हैं इस कमरे में। तो ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पे लुम्बी है, यहाँ से जो धुआं वगैरह वो बाहर जाता है। और इस तरफ फूल बनाए हुए हैं, मिट्टी के ये फूल बने हुए हैं, और इनमें कलर थोड़ा सा भरा हुआ है, अभी कलर थोड़ा सा उतरा हुआ है। बाबा जी, आ की चीज है ये इन दोस्तों का मेन कमरा है, यहाँ पे इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और ये एक परछतिया और दूसरी यहाँ पे परछतिया। तो मिट्टी के घर के जो लोग हैं वो इनकी यही खूबसूरती होती है कि वो अपने घरों में ये इस तरह मिट्टी की परछतियाँ वगैरह बना देते हैं और इनके ऊपर बर्तन जो हैं वो रख देते हैं। तो इस कमरे में जो बिजली की सहूलत है और इसकी जो छत है वो पक्की है, और गार्डर यहाँ पे गार्डर और बाले वगैरह हैं। और इस तरफ इन दोस्तों ने ये हवा के लिए रोशनदान वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ से ठंडी हवा आती है। गर्मी वगैरह तो नहीं होती? गर्मी तो बहुत लगती होनी गर्मियों चा, तो सर्दियों से फिर भी रेत की वजह से ना काम थोड़ा जहा सेट हो जाता। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटे छोटे कमरे इन लोगों ने बनाए हुए हैं, और यहाँ पे ये काने रखे हुए हैं बड़े, यहाँ पे ये काने रखे हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये गाय का जो गोबर है उसके ज़रिए यहाँ पे पाथियाँ लगाई हुई हैं इन दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत करके, और ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं जी, ये जो सारे घर है ये मिट्टी से बने हुए हैं। ये इन दोस्तों का थड़ा है, यहाँ पे ये शाम को बैठते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत करके इन्होंने बनाया हुआ। और ये भी कच्ची मिट्टी से बनाया होगा। ये साथ कुछ पक्के घर भी हैं, और ये देखिए आप, यहाँ पे इन लोगों ने कबूतर वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, ये कमरे नहीं है कोई, ओए बकरियां बकरियां वास्ते? अच्छा, वाड़े।